हाय एवरीवन, दिस इज प्रिंस कटियार एंड वेलकम टू आई न्यूरॉन। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे होंगे हमारे ऑपरेटर्स के बारे में, बेसिकली किन किन ऑपरेटर्स को हम यूज कर सकते हैं या किन ऑपरेटर्स को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं, जिनको यूज कर रहे हैं तो उनका सिंटेक्स क्या है, ठीक है, या किस तरीके से हम उन्हें यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे लैब पे, वहीं पे सारे ऑपरेटर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो दिक्कत आएगी वहीं पे हम लोग उसे रिजॉल्व पे करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी लैब पे। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, कि कौन कौन से दो ऑपरेटर्स होते हैं अर्थमेटिक के जिन्हें हम स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बनाते हैं अपना एक वेरिएबल जिसमें हम लिखते हैं पाइथन। ठीक, इस वेरिएबल को हमने बना लिया, ऐसे हम रन करा रहे हैं तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब हमें क्या करना है इस वेरिएबल के साथ, लेट्स सपोज इस एस है, इसको अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो ये हमारा प्रिंट हो रहा है। इसके साथ अगर हम प्लस वन करना चाह रहे हैं, ठीक, तो जैसे ही हमने स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड किया तो हमारा यहाँ पे एक एरर आ चुका है, जो ये बोल रहा है कि हम स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ ऐड नहीं करा सकते हैं, इसके लिए आपको दोनों ही स्ट्रिंग चाहिए। तो चेक कर लेते हैं, एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं जिसको हमने बना लिया है एस वन, और इसको हम सेव कर लेते हैं हमारे प्रोग्राम, ठीक, प्रोग्रामिंग नाम की हमने एक नई स्ट्रिंग बना ली। अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों स्ट्रिंग को एस और एस वन को हम ऐड करके देखते हैं कि इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं एस प्लस एस वन। ठीक, तो अगर हम इन्हें रन ऐड करा रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली रन हो रहा है। मीन्स अगर हमें प्लस ऑपरेटर को यूज करना है स्ट्रिंग में तो दोनों ही हमारे स्ट्रिंग होनी चाहिए, वहां पे हम इन्हें यूज कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। अब हम चाहते हैं यहाँ पे हम क्या करना है, लेट्स सपोज हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कि ये हमारा और क्या क्या ऑपरेशन कर सकती है। ठीक, तो अगर हमने यहाँ पे किया एस माइनस एस वन तो ये हमारे फिर से एरर दे रही है कि स्ट्रिंग या स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, आप माइनस ऑपरेशन कभी भी कर ही नहीं सकते। मीन्स यहाँ पे माइनस ऑपरेटर को हम स्ट्रिंग में यूज नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, स्ट्रिंग से ही स्ट्रिंग को कैसे हटा सकते हैं, ये लॉजिकल भी नहीं लगता। ठीक, तो यहाँ पे ये ऑपरेटर काम नहीं करता। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तब भी ये ऑपरेटर हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब प्लस वाला तो काम कर रहा है, माइनस और डिवीजन ये दोनों काम नहीं कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखना क्या होता है, तब भी ये हमारा काम नहीं कर रहा। तो ये यहाँ पे लेकिन एरर कुछ हमारी अलग आ रही, कांट मल्टीप्लाई सिक्वेंस वाई ए नॉन इंटीजर ऑफ अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। इस एरर का मतलब क्या हुआ कि आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं बट यहाँ पर अगर इंटीजर हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि अगर हमें सम कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ तो दोनों स्ट्रिंग होनी चाहिए, अगर मल्टीप्लाई करनी हो तो एक हमारा क्या होना चाहिए। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या करते हैं, टू इंटू हम एस कर लेते हैं तो हमारा क्या होगा देखते हैं। तो दो बार पाइथन को इसने रेप्लीकेट कर दिया। ठीक, तो इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं क्या, रेपिटिशन ऑपरेशन। ठीक है, इसको जब भी हम किसी इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन या रिपीटिशन ऑपरेशन बोल देंगे। जब भी हम दो स्ट्रिंग को सम करते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन ऑपरेशन। ठीक, इसे हम क्या बोलेंगे, कॉनकैटिनेशन कर रहे हैं हम। जब भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करा रहे होते हैं हम इंटीजर से सम नहीं करा सकते, इंटीजर से मल्टीप्लाई करा सकते, उसे हम बोलते हैं रिपीटिशन ऑपरेशन। ठीक, तो ये दोनों अर्थमेटिक से रिलेटेड जो भी थे आपने देख लिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हमारे लूप्स को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं हमारी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लूप्स की, ठीक, तो लूप्स के टर्म में अगर हम बात करें तो लूप्स क्या होता है, हमने एक एग्जांपल लेते हैं फॉर, ये हमारा कीवर्ड होता है जिससे हम बताते हैं कि हम यहाँ पे फॉर लूप शुरू कर रहे हैं। आई एक हमारा लोकल वेरिएबल होता है, इनकी बात करें ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, मतलब यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब हमें इसके पहले एक लेनी पड़ेगी स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग हमारी ऑलरेडी थी, हमने एस ले ली। ठीक, तो अब हम चाहते हैं कि इसको सबको हम प्रिंट करा दें यहाँ पे, प्रिंट की स्पेलिंग। ठीक है, तो अगर हम इनको प्रिंट कराएंगे तो हम इसे जैसे हमने एंटर किया तो हमारा पाइथन यहाँ पे एक एक करके सारी जो भी वैल्यूज थी वो हमारी प्रिंट हो गई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम डायरेक्ट स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं हमारे किसमें, फॉर लूप में। क्यों, क्योंकि जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो हमारा सिक्वेंशियल टाइप का डेटा होता है, सिक्वेंस में चीज़ों को स्टोर कराता है, इसलिए डायरेक्ट हम फॉर लूप में स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। ठीक, जिसे हम लिस्ट को कर सकते हैं, टपल को कर सकते हैं, इसी तरीके से स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं अगर हमें उससे एक एक चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कराना है, तो ये फॉर लूप से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें वाइल लूप से करना हो ये सारी चीज़ें, या इस तरीके से हमें प्रिंट कराना या लूप लगाना वाइल लूप में, तो क्या हम स्ट्रिंग में लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, वाइल, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है वाइल लूप लगाने के लिए। ठीक, अब हमें लिखा एक लोकल वेरिएबल जो कि हमारा क्या हो गया, आई।
अब हमें क्या करना पड़ता है, जैसा हमने बताया था आपको कि वाइल लूप जब भी हम यूज करते हैं तो हमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम कंडीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारी ये स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं, सिक्स, ठीक, ये सिक्स हैं, इनकी लेंथ तक ये चलना चाहिए, जब तक इसमें लेंथ प्रेजेंट है उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इन या मेंबरशिप ऑपरेटर पे हमारा वाइल लूप नहीं चलता है, ये किस पे चलेगा, हमारा कोई कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लेंथ ऑफ एस, लेंथ ऑफ एस कर दिया। अब लेंथ है तो इसे हमें कंपेयर कराना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया लेस देन, कि आई की वैल्यू जब तक लेंथ ऑफ एस से कम है, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 6, मतलब 6 तक यहाँ पे चलना चाहिए, इसके बाद ये अपने आप बंद हो जाना चाहिए, ठीक। तो हमने यहाँ पे लगा दिया ये कॉल लेंथ, इसका मतलब अब इस लूप के अंदर आप जाओ। अब हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हमने लिखा कि प्रिंट करा दीजिए आप इसको आई को, ठीक है। लेकिन अभी हमने ना ही आई को डिक्लेयर कराया है, ना ही हमने इसको इंक्रीमेंट कराया इसका, तो इंक्रीमेंट कराने के लिए हमने क्या लिखा, आई इज्क्वल टू आई प्लस वन। ये हमारा क्या होगा कि आई अब एक एक करके बढ़ेगा, लेकिन बढ़ने के लिए डिक्लेयर होना चाहिए पहले आई की वैल्यू, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ऊपर और सबसे लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज्क्वल टू जीरो, तो अगर हम इसे रन कराएंगे तो देखिए क्या होता है, हमारी क्या होगी, वैल्यूज प्रिंट होंगे, कितनी वैल्यू प्रिंट होंगी, जीरो से लेके इसकी लेंथ कितनी थी, सिक्स, ठीक। तो जीरो से अगर इंडेक्सिंग शुरू हुई तो हमारी फिफ्थ तक ये नंबर चली गई, वो सारे नंबर जो हमने आई के लिखे थे वो सारे हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिए। अगर आपको समझाएं ये कैसे हो रहा है, वैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं सारी चीज़ें। तो आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, जीरो, ठीक। तो प्रिंट भी हम क्या करा रहे हैं, आई की वैल्यू ही प्रिंट करा रहे हैं अभी, ठीक है। तो आई की वैल्यू जीरो आई, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो गई, फिर एक बढ़ गई, तो जैसे ऊपर बढ़ के गई तो फिर प्लस वन हो गई, तो अब कितनी आई की वैल्यू है, वन, तो वन प्रिंट हो गया। इसी तरीके से हर बार ये इटरेट कर करके बढ़ता रहेगा और हर वैल्यू को प्रिंट करा देगा, लेकिन ये हमारा तो पर्पस था ही नहीं, ठीक है। हम क्या चाहते थे यहाँ पे, हम चाहते थे कि हमारा जो पाइथन लिखा है उसको प्रिंट कराएं। तो जैसा कि कल हमने बताया था, कल हमने टॉपिक पढ़ा था इंडेक्सिंग का, ठीक है। तो इंडेक्सिंग का मतलब क्या, अगर हमें इस स्ट्रिंग से वैल्यू को निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, स्ट्रिंग वो इंडेक्सिंग की हेल्प से, ठीक है। क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट, इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग होता। तो हम क्या करेंगे, इसको निकालना है अगर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग। तो एस के अंदर है, कहाँ पे ये हमारी सारी चीज़ें स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम हमने एस कर दिया। अब फिर हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे, तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमारा इस इंडेक्स पे क्या वैल्यू है ये हम बता रहे हैं, सुने, आई की वैल्यू पहले क्या होगी, जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू हो वो निकाल दो। तो जीरो पे जैसे आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, पी, ठीक। इसी तरीके से आपका आई की वैल्यू जब वन होगी तो वन वैल्यू पे एस में क्या स्टोर है वो निकल के आ जाएगा। तो इसे हम अगर एग्जीक्यूट कराएंगे तो देखिए, आप एक एक करके पाइथन जहाँ पे जैसे 1 0 1 2 3 4 लिखा था, तो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर थी तो वो हमने निकाल दी। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, जो हमने कल इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर स्ट्रिंग से हमें चीज़ों को निकालना तो कैसे निकालते हैं, इंडेक्सिंग से, तो वही हमने यहाँ पे आई की जगह उसी कॉन्सेप्ट को लिख दिया, इंडेक्स की वैल्यू की जगह पे हमने यहाँ पे आई दिया, ताकि पहले जीरो आएगा, फिर वन आएगा, फिर टू आएगा, फिर थ्री आएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आराम से आ गई। तो डायरेक्ट हम स्ट्रिंग में क्या कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज ए अनसाइड द कंडीशन, ठीक। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि है मेंबरशिप ऑपरेटर इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम नीचे थोड़ा सा सेल्स बढ़ा लेते हैं, चलिए। तो मेंबरशिप ऑपरेटर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, अगर हम आपसे पूछें तो क्या क्या होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है, इन होता है एक, ठीक है, एक दूसरा क्या होता है, नॉट, ठीक। यही दो ऑपरेटर्स होते हैं मेंबरशिप के लिए। तो इसका पर्पस क्या होता है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई वैल्यू या कोई सब स्ट्रिंग हमारी किसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे लिखा है, एक वेरिएबल बना रहे हैं str करके हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, str1, ठीक, ये वेरिएबल बनाया, इसमें हम क्या लिख रहे हैं, दिस इज ए पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक, ये हमने लिखा, ये हमारी स्ट्रिंग बन चुके हैं यहाँ पे। अब हम क्या चाहते हैं कि इसमें से कोई भी वैल्यू हमें चेक करनी है कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं, या कोई भी कैरेक्टर हमें चेक करना हो कि वो यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, चलिए देखिए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा कि इफ़ ये सब स्ट्रिंग जो हम ढूंढना चाहते हैं, हमने वहाँ पे लिख दिया इज़, क्या इज़ प्रेजेंट है किस में, इस str1 में, तो हमने लिखा str1 में ये प्रेजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हमने क्या ऑपरेटर यूज़ किया, इन। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारा क्या हुआ यहाँ पे, इन। इसकी हेल्प से हम क्या चेक करते हैं, जैसे हम फॉर लूप में भी इसी को यूज़ कर रहे थे यहाँ पे, इन, ठीक।
कि ये स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं, तो उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे, अगर ये प्रेजेंट है तो आपको क्या कर देना, लिख देना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे, यस इट इज प्रेजेंट। ठीक, तो अगर हम करेंगे तो यस इट इज प्रेजेंट। मीन्स हम चेक कर रहे थे कि इज नाम की जो वैल्यू है या इज नाम की जो सब स्ट्रिंग है वो इस लाइन में या इस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है क्या। तो हम चेक कर रहे हैं दूसरी उसी वैल्यू को, अगर हम चेक करते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज हम प्रोग्रामिंग को चेक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग को चेक कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाके और इसे जैसे हमने पेस्ट किया तो हम चेक कर रहे हैं हाँ ये प्रेजेंट है। अब हम क्या कर देते हैं, अगर हम इसको पी को कैपिटल कर रहे हैं, पी को कैपिटल कर रहे हैं, अब देखिए हमारा आंसर नहीं आया, कुछ नहीं आ रहा क्योंकि हमने एल्स स्टेटमेंट नहीं लिखा है। चलिए उसको भी लिख देते हैं, उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट। यहाँ पे क्या लिख दिया, नो इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, हमने लिख दिया नो इट इज नॉट प्रेजेंट। ठीक, तो ये हमारे यहाँ पे दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से प्रोग्रामिंग तो ठीक है, लेकिन अगर हमने सिर्फ इसकी वैल्यू को चेंज किया, मीन्स कैपिटल को स्मॉल को कैपिटल कर दिया, वो पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसका केस सेंसिटिविटी भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर हम प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं तो अब हमारी वैल्यू दे देगा हाँ ये यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम नॉट को यूज़ करना चाहें तो नॉट का मतलब क्या हो जाता, उसका रिवर्स कर दो, तो नॉट वाले केस में हमारा ये प्रिंट होगा और इसके केस में ये प्रिंट होगा। नॉट वाले केस में क्या, वो उल्टा देखता है, इसलिए हमारा ये वाला प्रेजेंट हो जाएगा कि नहीं, ये वाला लाइन। ठीक, उसका उल्टा जवाब होता है वो प्रिंट हो जाता है। तो ये था हमारा मेंबरशिप ऑपरेशन, इसे आप इजिली समझ सकते हैं, इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम रिलेशन ऑपरेटर्स को देखते हैं तो इसमें क्या क्या होता है उसे भी थोड़ा, कौन कौन से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उन्हें हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये हो जाता है, सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, लेस सपोज हमारा लेस देन हो सकता है, हमारा ग्रेटर देन हो सकता है। तो ये सारे ऑपरेटर हमारे क्या हो जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, चलिए तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो हम पुरानी वाले अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वो है कि नहीं, हाँ एस है और एस वन, ये दोनों स्ट्रिंग है हमारे पास। अब हम चेक कर रहे हैं क्या एस इज इक्वल टू एस वन। तो दो स्ट्रिंग को अगर हमें चेक करना है, कंपेयर कराना है कि वो दोनों बराबर हैं या नहीं है, तो हम करेंगे क्या ये, तो उसका आंसर क्या आ गया हमारा फॉल्स। लेट्स सपोज हम एक नई स्ट्रिंग बना रहे जो कि सेम होगी हमारे इससे। ठीक, तो एस टू नाम की हमने एक नई स्ट्रिंग बनाई जिसमें हमने क्या स्टोर कराया, पाइथन। ठीक, सेम चीज़ हम स्टोर करा रहे हैं ताकि हम चेक कर सकें कि ये बता सकता है बराबर है कि नहीं। ठीक, तो अगर हम इसे रन कराते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसे रन कराते हैं s इक्वल टू एस टू, तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, इसे रन कराए, ओके ये साइन करा दे, सॉरी। ठीक है, तो हमने अगर चेक कराया तो ये हमारा क्या आंसर आना चाहिए, टू। ठीक है, तो ये देखिए s और S2 के बराबर है क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, पाइथन। S1 के बराबर नहीं है कि ये फॉल्स आ रहा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कराया था, S1 के अंदर हमारा प्रोग्रामिंग लिखी है जो उसके बराबर नहीं है। ठीक, अगर हम यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन चलाते हैं नॉट इक्वल टू, तो ये वाला हमारा क्या बताएगा, देखिए आप, ट्रू बताएगा। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ट्रू। चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे क्या लेस देन और ग्रेटर देन ऑपरेटर्स को भी यहाँ पे। तो हमने क्या लिखा, एस इज लेस देन एस वन, ठीक है, इसे किया तो हमारा क्या आ गया, फॉल्स। ठीक, अगर हम इसी को एस टू के साथ चेक करते हैं, लेट्स सपोज एस टू, तो हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ रहा है। दोनों ये तो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हम अलग अलग हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा बड़ा है। तो अगर हम लेस देन फॉल्स आ रहा, तो ट्रू और ग्रेटर देन चेक करके देखते हैं, तो ग्रेटर देन हमारा कैसा आता है, वो हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं नंबर्स में कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है। लेट्स सपोज एक नंबर हमारा पाइथन, एक है हमारा प्रोग्रामिंग, तो इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये डिसाइड करने का हमारा तरीका क्या रहता है, इसे हम डिसाइड करते हैं अल्फाबेट ऑर्डर की बेसिस पे। जिस तरीके से हमारी डिक्शनरी में नंबर प्रेजेंट होते हैं, तो जो पहले होता है वो छोटा होता है, और जो बाद में होता है वो हमारा क्या होता, बड़ा होगा। तो पाइथन में और प्रोग्रामिंग में पहले कौन सा आएगा, प्रोग्रामिंग पहले आएगा, ठीक, इसलिए बाद में हमारा क्या, पाइथन, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, अगर हम इसे कंपेयर कराएंगे तो जो पाइथन वाला है वो बड़ा हो जाएगा, प्रोग्रामिंग हमारा छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर को। तो लास्ट टॉपिक हमारा बच्चा है यहाँ पे आज के ऑपरेटर्स का, वो क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, अगर हम लिख लें यहाँ पे, तो कौन कौन से होते हैं, एक तो एंड होता है, ठीक है, और होता है, और नॉट होता है। ये सारे ऑपरेटर्स हमारे क्या हैं, लॉजिकल। दो तीन कंडीशन है हमारे पास,
हम चेक करना चाहते हैं कि वो दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं क्या है, उसके बेस पर हमें डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। चलिए देख लेते हैं। आपका सेम चीज़ हमने दो वेरिएबल हमारे पर लिख लिए, एक एस हो गया एक एस वन हो गया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारा एस वाला था इफ, ठीक है, इफ पी, पी हमारा क्या है, करेक्टर हो गया पी, इसमें इन, इसमें एस में, मतलब यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि जो पी करेक्टर है मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज करके हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या पी यहाँ पे प्रेजेंट है इन एस, ठीक है, इसी तरीके से कि पी यहाँ पे प्रेजेंट है क्या एंड, ठीक। अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं हमारा लॉजिकल वाला। अब इसके साथ हम दूसरा यूज करना चाह रहे हैं कि लेट्स सपोज प्रो, हम क्या लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे एंड प्रो, प्रो इन एस वन, ठीक। क्या ये दोनों चीजें ट्रू हैं कि नहीं, अगर हैं तो आप लिख दो यस बोथ आर ट्रू, ठीक, बोथ आर ट्रू। अगर ऐसा है तो लिख दो, नहीं तो आप फॉल्स लिखना होता है, एल्स के लिए हम लिख देंगे, तो कुछ तो गड़बड़ हो रहा है एंड ओके ओके ओके, ये नहीं लगाना था, ठीक है। चलिए तो हमने क्या लिखा, यस बोथ आर ट्रू, ये पी भी है हमारे पास, ये प्रो भी है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रो की जगह कुछ और लिख देते, लेट्स सपोज लो, ठीक, तो ये हमारा क्या कह रहा है, नहीं ये गलत होता, अगर हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट लिखते तो उसके अंदर वो चला जाता, तो हमें बताता कि वो ऐसा नहीं है जो भी हम उसके अंदर लिखते हैं। चलिए तो इस तरीके से हम लॉजिकल को यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे कर देते हैं क्या और, तो इसका मतलब क्या होगा, जो भी एक चीज़ सही हो हमारी तो वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो यहाँ पे पी तो प्रेजेंट था लेकिन ये नहीं प्रेजेंट था, तो और का मतलब क्या होता, अगर एक भी ट्रू हुआ तो वो ट्रू बोल देगा, तो इसलिए हमारा आंसर ये आ रहा है। तो ये था हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड इसके पहले हमने क्या देखा, रिलेशनल ऑपरेटर्स को, इसके पहले हमने मेंबरशिप को देखा है, और इसके बाद हमने फॉर लूपिंग को देखा था, इससे पहले हमने कॉन्कैटिनेशन एंड रेपिटेशन ऑपरेटर्स को देखा था। तो यही सारी चीज़ें आज हमें करनी थी डिस्कस। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए। वैसे आज की क्लास बिल्कुल सिंपल सी थी, कोई दिक्कत जैसा इसमें होगा नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।